लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा कि मेरा जो गाड़ी है वो बीच रास्ते में ख़राब हो गई थी, और उस टाइम में जैसे तैसे नियरेस्ट सर्विस सेंटर तक मतलब मैं गाड़ी लेके कैसे गया था वो तो मुझे ही पता है। आप लोग थोड़ा बहुत वीडियो में देखा ही होगा कि गाड़ी 10 के ऊपर जा ही नहीं रही थी। तो दिक्कत बस यही आया था कि ये जो छोटा सा पार्ट है यही दिक्कत दे रहा था, और ये वाला जो ये डैमेज हो चुका है। ये है एक्चुअली कूलेंट सेंसर है, तो ये काम नहीं कर रहा था ठीक से, इसीलिए इंजन का जो ओवरहीट साइन है वो ऊपर आ रहा था बार बार और गाड़ी बंद पड़ रही थी। तो चलो गाड़ी तो आज लेके मैं आ गया, अभी आके मैं ऑफिस के काम में ही बैठा हूँ, और ऐसे ही भाग दौड़ भरी जिंदगी के बीच में मुझे थोड़ा बहुत घर की भी याद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर किया जाए ये मेमोरीज। बारिश तो एकदम दबा के हो रही है, तो एक बात क्या अच्छी है कि आज पूरा दिन अभी तक धूप निकला नहीं है, तो इसीलिए गर्मी भी बहुत कम है और पसीना वगैरह इतना नहीं आ रहा है। तो आज का जो प्लान है वो कोलकाता का कुछ अच्छा अच्छा जगह थोड़ा घूम के देखने का है, और ऐसा कोई स्पेसिफिक जगह हम लोगों ने डिसाइड तो नहीं किया है, हम लोग कल रात को ही डिसाइड किए कि आज का दिन हम लोग के पास है तो हम लोग चलते हैं थोड़ा सा कोलकाता घूमने। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। काफी दूर में उतार दिया, तुमने ही गलती किया। मैंने गलती नहीं किया, मुझे ये पता नहीं था कि वो अंदर से आ जाएगा, लेकिन ठीक है ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से थोड़ा सा ही है तो वहाँ से थोड़ा सा चल के जाना पड़ेगा। हालांकि वेदर इतना बुरा नहीं है, चलने में कोई दिक्कत नहीं है, तो मजा ही आ रहा है। बारिश भी हो रही है थोड़ी थोड़ी, आने वाले अभी वहाँ पे हम दोनों का ये कॉमन फ्रेंड भी अभी वेट कर रहा है। पिछले टाइम जिनके साथ गया था ये वो नहीं है, ये कोई दूसरी है, तो चलिए बहुत मिलते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि वो काफी देर से वेट करी है वहाँ पे। तो ये एक बस डिपो है, मतलब प्लानेट का सबसे बड़ा जो बस डिपो है वो यही है, और यहाँ से ऑलमोस्ट इंटर सिटी इंटर स्टेट हर एक जगह का बस मिल जाती है। ये जो आपको दिख रहा है ये इंटर सिटी है, और ये साइड जितने भी बसेस खड़ी है ये सारे इंटर स्टेट है। अभी हम लोग का जो पहला जो विश लिस्ट या फिर जो टू डू है वो है ट्राम की सवारी। ये ऑलमोस्ट 10-15 साल पहले ही मैं ट्राम में बैठा था, तो उसके बाद काफ़ी कुछ बदल गया है, तो वही एक बार चेक करना है आज से बेहतर और कौन सा ही दिन होगा। फाइनली ये जो जगह है यहाँ पे ट्राम डिपो हम लोग को मिल तो चुका है, लेकिन अभी शायद ट्राम आने में थोड़ा लेट है। अभी आप मेरे पीछे देख पा रहे हो ये शायद सिर्फ म्यूजियम पर्पस के लिए यहाँ पे रखा हुआ है, हालांकि इतना पुराना जो मॉडल है अभी चलते हुए नहीं दिखता है। अभी मतलब किसी ने ऐसा बोला कि यहाँ पे सब एसी कोचेस बन चुका है, और ट्रैम्स का जो कोलकाता में हिस्ट्री है वो काफ़ी पुराना है, मतलब मेरे ख्याल से मतलब मुझे एग्जैक्ट साल तो नहीं मालूम, लेकिन ये जो चीज़ है ये एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट चीज़ है कोलकाता में। अभी तो ट्रैम नहीं आ रही है। नहीं अभी तो चलो चलते हैं, उससे भी एक बार पूछ लेना यहाँ पे आता है कि वहाँ पे जाना है हम लोग।
आज के वेदर तो इतना मस्त है, पुरानी मेमोरीज को फिर से जी के जो मज़ा आता है वो हम लोग शब्दों में बयां नहीं कर सकते। हालांकि इस मिट्टी में कुछ तो बात है, जब जब हम लोग वापस आते हैं तब तक हम लोग को बहुत सारा चीज़ नया ही मिलता है। कैसा? टॉय ट्रेन जैसा। पहले मुझे जिसने इन्फॉर्म किया था कि अभी शायद जो पुराना वाला कोचेस है नॉन एसी वो शायद चलता नहीं है, लेकिन लकीली हम लोग जो पुराना वाला एग्जैक्ट ट्रेडिशनल जो ट्राम है वो हम लोग को मिला है नॉन एसी, और इसके साथ काफ़ी सारा मेमोरीज जुड़ा हुआ है मेरा। मतलब मुझे आज भी याद है जब मैं ट्राम में पहली बार चढ़ा था और वो भी नॉन एसी था। भले ही नॉन एसी है लेकिन हाईटेक है। ये जो वाईफाई है इसका मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रखा था क्योंकि ये वाला एसी कोच नहीं है, और मेरा एजम्पशन ऐसा था कि ये सिर्फ एसी कोच में ही मिलता है। मुझे बहुत मज़ा आया। तो फिलहाल हम लोग अपना डेस्टिनेशन पहुंच गए, गोड़िया ट्राम डिपो। अभी यहाँ से कहाँ जाना है इसका तो कोई आइडिया नहीं है, अभी देखते हैं कहाँ पे जाना है। अगर कहीं मिला तो ठीक, नहीं तो फिर वापसी वाला ट्राम में बैठ के वापस हमारे जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ पहुँच जाएंगे। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि पहले खाना खा लेते हैं, पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद अगला कुछ प्लान करेंगे। अभी पूजा ने हमें एक डेस्टिनेशन बताया, वो वहाँ पे गई है इससे पहले, तो हम लोग उधर ही जा रहे हैं। बारिश रुकने का नाम नहीं है, मैं भीग रही हूँ पूरा। सेम चीज ऑर्डर किया तो दूसरा ट्राई ही नहीं कर। लंच तो कंप्लीट हो चुका है, अभी हम लोग के पास थोड़ा सा टाइम था इसलिए हम लोगों ने सोचा कि एक बार ढाकुरिया लेक चलते हैं। टहलते टहलते हम लोग पहुंच गए हैं कुछ ऐसी जगह, रविंद्र सरोवर है। जगह अच्छी है, बारिश भी हो रही है, पूरा भीग गए, पूरा दिन हम लोग भीग रहे लेकिन मज़ा भी आ रहा है। अभी आप लोगों ने जो लेक देखा वो आर्टिफिशियल है, अभी जो नेचुरल लेक है उधर हम जा रहे हैं उस साइड, ये है ओरिजिनल वाला नेचुरल लेक। ये वही जगह है जहाँ पे वो पिक्चर बेला से मॉर्निंग वॉक करना, मॉर्निंग वॉक वाला शूटिंग शायद यहीं हुआ था। तो अभी इतनी बारिश हो रही है और इतना हवा चल रहा है, ऑलरेडी हम लोग पूरा भीग ही गए हैं नहाने जैसा, तो अभी घर चलते हैं, मेट्रो से चलेंगे। घर पहुंचते हैं उसके बाद बात करते हैं क्योंकि हालत बहुत ही खराब है सबका, मेरा सरों का, पूजा पूजा का है, पूजा का दोस्त, सबका हालत बहुत खराब है। तो ये वाला दिन जो है ये मैं काफ़ी लंबे समय तक याद रखने वाला हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए कमेंट करके। आप अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय।